पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सियासी रणनीति तैयार होने लगी है। वैसे तो सत्तारूढ़ टीएमसी के अलावा बीजेपी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही माना जा रहा है। इन सब के बीच कभी बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना ने बंगाल चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। दरअसल शिवसेना ने ऐलान किया है कि वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। इतना ही नहीं, पार्टी की ओर से ममता बनर्जी का समर्थन करने का ऐलान किया गया है। शिवसेना के इस ऐलान ने हर किसी को हैरान कर दिया है। साथ ही चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच अब टक्कर और बड़ी हो गई है। असल में राज्यसभा सांसद और शिवसेना प्रवक्ता ने अपने एक ट्वीट में लिखा, हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी या नहीं। इसीलिए इसका अपडेट है कि शिवसेना बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से चर्चा के बाद अपडेट है। आज के परिदृश्य को देखते हुए साफ है कि पश्चिम बंगाल में दीदी बनाम सभी की लड़ाई है। सभी एम मनी मसल और मीडिया को एम ममता दीदी के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए शिवसेना ने फैसला लिया है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं लड़ेंगे। शिवसेना ममता बनर्जी के साथ है। हम आशा करते हैं कि ममता दीदी को बड़ी सफलता मिले। हमें यकीन है कि वो वास्तव में बंगाल की शेरनी है। जाहिर है शिवसेना के इस ऐलान का बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी। शिवसेना फिलहाल कांग्रेस के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। इससे पहले शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और शिवसेना ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। कुछ दिन पहले ही शिवसेना ने बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से चर्चा के बाद ये तय किया गया है कि पार्टी अगले साल बंगाल के चुनाव में उतरेगी और इसके लिए हम जल्द ही कोलकाता पहुंच रहे हैं। लेकिन अब पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। साफ है कि शिवसेना के इस फैसले से न सिर्फ बीजेपी को नुकसान होगा बल्कि सहयोगी कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना का साथ मिलने से टीएमसी को चुनाव में क्या फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट।